आज हम आए बिहार में। बिहार में सबसे फेमस जगह है माता मुंडेश्वरी को दिखा रहा हूँ। तो मैं बनारस से आया हूँ, मुंडेश्वरी बिहार में है, मतलब 250-250 किलोमीटर चल करके बहुत ही फेमस जगह है। तो आपको चलते हैं, दर्शन कराते हैं वहाँ का, बहुत ही फेमस जगह है ये। मंदिर का मेन गेट, शाम को आरती होती है इसलिए हमें आरती में टाइम से आ जाता है। चलते हैं अंदर। हाँ बोला सच्चे दरबार की। मैं आया हूँ यूपी से बिहार में आया हूँ। यूपी से मान्यता इसकी बहुत ज़्यादा है, आरती हो रहा है। अगर आप कभी भी आए तो शाम को यहाँ टाइम से पहुँच जाइए 6 बजे, क्योंकि आरती होती है, लेट हो जाएगा तो मंदिर बंद हो जाएगा। शाम को मंदिर बंद हो जाता है 6 बजे या 7 बजे। आरती हो रही है आरती, और आरती में पहुंचना बहुत जरूरी है। शाम को आरती होती है, आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ये सबसे मेन मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, ये सबसे मेन मंदिर है जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, मुंडेश्वरी का। मंदिर में शाम पूजा होने के बाद आपको यहाँ नारियल तोड़ने आया जाता है, यहाँ सभी लोग नारियल तोड़ते हैं। चलो।
मंदिर में जब भी आपको आना, ध्यान देना कि भाई शाम को 6 बजे से पहले आ जाओ, क्योंकि पूजा होता है, आरती होती है, फिर मंदिर बंद हो जाता है। भारत में जहाँ भी है हर जगह काफी भव्य मंदिर है, लेकिन देखिए मंदिरों को ये तोड़ दिया गया है। मतलब पुराने समय में जब धर्मों की मान्यता थी, उसके बाद क्या हुआ कि मुगल आए। मुझे लगता है कि हर जगह मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। इतनी अच्छी अच्छी कलाकृति, इतनी अच्छी मूर्तियाँ हैं, और उनको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। वरना सच में हमारी संस्कृति, हमारा पुरातन सनातन धर्म बहुत ही आगे है। सबको हर जगह से नष्ट करने की कोशिश किया गया है। ये आप मंदिर देख रहे हैं, इसके अंदर का बनावट अगर मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं अलाउड है, वरना आप देखे होते तो कहते कि क्या भाई क्या चीज़ बनी हुई है। उसके अलावा ये सभी देखिए, ये सभी जो कलाकृतियाँ बनी हुई है, आप इनको देखिए। तो ये सभी चीज़ें जो ऐसी हिंदू धर्म में हैं, सनातन धर्म में है, इनको मुगलों ने तोड़ दिया। अदरवाइज़ ये जो हमारा हिंदुस्तान था, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके आगे सब फीका है। यहाँ पूजा होने के बाद अब हम आते हैं यहाँ, तो हमें यहाँ मिलता है प्रसाद, और ये जो प्रसाद मिलता है वो हमें खीर मिलता है सबको। तो आप सभी अगर आरती के समय में आएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। ये प्रसाद आप सभी लोगों के लिए भोग लगाया हुआ भगवान का, ये हमारी आस्था है और ये हमारा प्रसाद है। माता मुंडेश्वरी, एक बार जरूर आइए, बिहार में है ये। शाम को 6 बजे के बाद मुंडेश्वरी का पूरा गेट बंद हो जाता है। शाम को 7 बजे टाइम हो रहा है, 7 बजे, इसका मतलब 7 बजे तक पूरा पैकअप हो जाता है। 7 बजे पूरा मंदिर बंद हो जाता है, एक आदमी यहाँ नहीं रहेगा। तो जब भी आप आइए यहाँ पे 7 बजे से पहले आइए, शाम को 7 बजे पूरा मंदिर बंद हो जाएगा, पूरा पूजा अर्चना सब बंद हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप दूर से, मैं जैसे मैं बनारस से आया था, मैं मुश्किल से अगर 10 मिनट भी लेट होता तो मुझे यहाँ रात भर रुकना पड़ता या फिर मुझे वापस जाना पड़ता। तो ऐसी चीज़ें हैं। काफ़ी बढ़िया लगा भाई, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखा, अभी मैं पिछले 2-4 महीने से घूम रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक ये चीज़ मेरे दिमाग में आया कि हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे किला, ऐसे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है और उनका कोई पता नहीं है। ऐसा कहीं भी आप पुरानी मूर्तियों पर चले जाइए, हर जगह जाकर देखिए तो मूर्तियों को तोड़ दिया गया, और ये सारा काम मुगलों ने किया है जब उस समय की बात है। तो भाई वरना हमारे संस्कृति बहुत आगे थी। ऊपर ही गाड़ी का पार्किंग की व्यवस्था है, अगर आप सभी गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी से रुक सकते हैं यहाँ पे, मतलब चलना नहीं पड़ेगा पैदल। बिल्कुल मंदिर के पास गाड़ी आ जाती है और हमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। वैसे नीचे तो काफ़ी दूर से है, अगर हम पैदल आते हैं तो हमें पैदल आना पड़ेगा, लेकिन अगर हम गाड़ी से आते हैं, खुद की गाड़ी से, तो 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, जैसे मैहर का रास्ता है, हम चढ़ जाते हैं ऊपर। साथ में हमने अपने गाड़ी का पूजा भी कर लिया है, मूर्ति लेकर के। मैहर माता और मुंडेश्वरी माता दोनों हैं, और साथ में प्रसाद मिलता है, खीर, और साथ में हम लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे अपने गाड़ी की।